तेलंगाना के हजूराबाद उपचुनाव में चौतरफा भ्रष्टाचार यौवन पर है। जनता का जनमत 6,000 से 10,000 रुपया में टीआरएस और बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महंगा, सबसे भ्रष्ट उपचुनाव अब तेलंगाना का हजूराबाद का उपचुनाव बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरे साथी मानिक टैगोर नहीं कह रहे, ये वहाँ के टेलीविज़न चैनल पर दिखाई गई तस्वीरें, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार सोशल मीडिया पर लगाए गए वीडियो इसका सबूत हैं। कल भी तेलंगाना के हर चैनल पर इस बात की डिबेट हुई कि कौन सी पार्टी ने लिफाफों में डालकर कितने हजार रुपया की रिश्वत जनता तक पहुंचाई। इसके सबूत हैं, इसके वीडियो हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया लोगों की वोट खरीद के चलानी है तो प्रजातंत्र का कोई मतलब अब रह नहीं गया। और कमाल की बात तो ये है कि अब विधानसभा में कई जगह विरोध हो रहा है कि अमुक व्यक्ति को 6,000 मिले, अमुक व्यक्ति को 10,000 मिले, मुझे 4,000 रुपया कम मिला है। क्या आपने हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन भी देखा है? इसलिए प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। आज मानिक टैगोर जी, वामशी रेड्डी जी, हम सब लोग चुनाव आयोग से कल भी मिले थे, आज फिर मिले, और हमने एक ही अनुरोध किया कि ये हजूराबाद का उपचुनाव जो है इसे फौरन खारिज किया जाए, कैंसिल किया जाए और एक व्यापक इंक्वायरी की जाए, वरना देश के लोगों का वोट से प्रजातंत्र में नुमाइंदे चुनने से विश्वास उठ जाएगा। अब मैं अनुरोध करूंगा मानिक टैगोर जी से कि वो अंग्रेजी में आपको आपकी बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे। As well as the election commission, and we had the way Hazurabad polls has become, it's on sale. Votes are sold for 10,000 rupees and 6,000 rupees per vote. BJP and TRS in a massive corrupt practices are being involved. The election commission itself has accepted that there are more than 3 crore rupees cash they had found in the election they had seized through the election expenditure officer. Therefore, we had requested that election commission should wake up, and this election, like the RK Nagar in Tamil Nadu and Aravakurchi in Tamil Nadu, when it was stopped, the election commission interfered in that time and massive distribution of money was happening. Therefore, the election was postponed. So we had demanded the election commission that there should be a thorough justice should be done to the people of Hazurabad.